मुझे लगता है कि ये कोलिजियम सिस्टम इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट सिस्टम, अभी नहीं, अब ठीक नहीं है। अब ये कोलिजियम सिस्टम ने वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इम्प्रूव नहीं किया, तो फिर ये कोलिजियम काहे का कोलिजियम हुआ? कॉलेजियम में सुधार की मांग को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। बीते सोमवार को दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। जजों को एक बार पद पर आने के बाद किसी चुनाव या सार्वजनिक तौर पर जांच का सामना नहीं करना पड़ता, यानी उन्हें आम जनता नहीं चुनती है। यही वजह है कि जनता आपको बदल भी नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। बीते रविवार को कानून मंत्री ने रिटायर्ड जज आर एस सोढ़ी का ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था कि एक जज की नेक आवाज भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हमारे राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राष्ट्र के व्यापक हित में मिलकर काम करना चाहिए। आज तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक सरकार को सवाल पूछता है और सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार को जो चुने हुए सरकार है उनको सवाल नहीं करेंगे तो फिर सवाल किससे करेंगे? तो सरकार को लगातार अटैक होता है, क्वेश्चन करते हैं, हम उससे पीछे हटते नहीं है, हम फेस करते हैं इस चीज को। हम लोग तो चुने हुए लोग हैं। मैंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के साथ में कई बैठक हुए, कई कार्यक्रम में साथ बैठे, तब भी मैंने कहा अगर मैं आज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के हिसाब से काम कर रहा हूं तो अगले चुनाव में हम फिर जाएंगे, अगर हमको जनता चाहेगा तो फिर सरकार में लाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपोजिशन में बैठेंगे, फिर हम भी सरकार का सवाल करेंगे। लेकिन जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग देख करके असेसमेंट भी करते हैं, ओपिनियन भी बनाते हैं। सोशल मीडिया के युग में कोई किसी को आप छुपा नहीं सकते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि कुछ कदम उठाना चाहिए, सोशल मीडिया में जजेस को जो अटैक होते हैं, गालियां देती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका है? अब जजेस जो है पब्लिक फोरम में जाकर के आर्गुमेंट तो कर नहीं सकते हैं, लिमिटेशन है अपने। तो सरकार को रिक्वेस्ट किया कि कुछ ऐसा ठोस कदम उठाइए जो जजेस के ऊपर में अगर कोई सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म में इंसल्ट करते हैं या कुछ गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं तो उसको कुछ कंट्रोल करने का मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आर एस सोढ़ी का वीडियो शेयर किया था और इस पर आर एस सोढ़ी ने किरेन रिजिजू को नसीहत देते हुए कहा है कि मैं इस मुद्दे को उठाने के लिए कानून मंत्री को धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। ये मेरी निजी राय है कि कॉलेजियम प्रणाली असंवैधानिक है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में एक सचिवालय होना चाहिए। इससे पहले भी पूर्व जज आर एस सोढ़ी ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संविधान को हाईजैक किया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, उच्च न्यायालय संबंधित राज्यों के स्वतंत्र निकाय हैं। अब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज कहां से आते हैं? हाई कोर्ट से।
इसलिए हाई कोर्ट के जजों ने अब हर समय सुप्रीम कोर्ट की ओर देखना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ही अधीन हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये कोलिजियम सिस्टम इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट सिस्टम, अभी नहीं, अब ठीक नहीं है, इसमें बदलाव आने चाहिए और बदलाव से हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये बदलाव भी ऐसे, ये नहीं है कि भी बदलाव चाहिए तो बदलाव ही लाना है, लेकिन ठीक सोच समझ के बदलाव लाओ। क्योंकि देखिए ना, अब ये कोलिजियम सिस्टम ने वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इम्प्रूव नहीं किया, देख मेरे हिसाब से उसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डाइल्यूट कर दिया है। हाई कोर्ट डाइल्यूट होगी टोटली, तो इंडिपेंडेंस किस चीज़ का ले रहे हैं भाई आप? आप आप, आप खुद सुप्रीम कोर्ट वाले अपने चीफ जस्टिस के बरखिलाफ आप मुजहरे कर रहे हो, पांच आप स्ट्राइक पर जा रहे हो, जजेस ही स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और क्या करें? तो फिर ये कोलिजियम काहे का कोलिजियम हुआ? देखिए, देखो बात बात ये है, जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट अपने अपने दायरे में सुप्रीम है और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 136 को, आर्टिकल 136 को इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया कि वो एक कोर्ट ऑफ अपील बन गई। हर जजमेंट की, हर जजमेंट हाई कोर्ट की चैलेंज हो जाती है जाके सुप्रीम कोर्ट में। अगर बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ जी। अगर अगर कॉरपोरेशन ने नाली साफ नहीं की और वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ जी। अगर कोई कुछ भी ले लो, जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो हाई कोर्ट को करनी चाहिए या लेजिस्लेचर को खुद करनी चाहिए या एग्जीक्यूटिव को करनी चाहिए, वो सारी चीज़ सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब ये इस पे इंडिपेंडेंस का क्या मतलब हुआ इसमें? और फिर देखिए, हाई कोर्ट का जो 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 कोलिजियम हाई कोर्ट में है वो तीन जजेस का होता है, उनमें जो चीफ जस्टिस होता है वो आउटसाइडर होता है, उसको तो ज़्यादा पता ही नहीं होता स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो बाहर से आया है तो उसने दो जजेस की ओपिनियन लेनी है, जो बाकी दो हैं उनका ओपिनियन जो नंबर वन होता है उसने चीफ जस्टिस बनना है, कहीं ना कहीं बनना है, तो वो देखता है कि भाई मुझे कुछ कोई ठीक जगह पर ही लगाओ, तो वो उस पर लग जाता है। और ये जो चीफ जस्टिस है इसने सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, तो ये वहाँ देखता रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट में इस कोर्ट का, उसी कोर्ट का जज जो बैठा होता है उसकी अपनी लिस्ट होती है, मेरे आदमी लगाओ जी। तो ये कोलिजियम का सिस्टम क्या है? देयर इज नो सच सिस्टम। तो वो ओब्लाइज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो अपना लिस्ट देता है वो नीचे जाके वो पास कर देते हैं। तो दिस इज अ फ्लॉड सिस्टम, इट हैज नॉट वर्क्ड। इसका उद्देश्य अच्छा होगा, जब बनाया था सोचा था कि चलेगा, कि नहीं चला, ये गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। इसलिए ये जुडिशरी में इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेजियम को लेकर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार क्या निर्णय लेते हैं। आपके कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।